गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द बेस्ट लेसन लेट्स मार्च विच इज रिटन बाय कैलाश सत्यार्थी. ही इज वेल नोन ऍक्टिव्हिस्ट अगेन्स्ट द चाइल्ड लेबर. ही हॅज डन द आउटस्टँडिंग वर्क. ही हॅज डन द मार्वलस वर्क अगेन्स्ट द चाइल्ड लेबर अँड फॉर दॅट ही वॉज अवॉर्डेड फॉर द नोबल पीस प्राईज इन 2014. ऍक्च्युली दिस इज द टेक्स्ट विच इज बेस्ड ऑन द स्पीच. ये जो आप पढ़ रहे हो लास्ट पीरियड में हमने कुछ इसका पोर्शन पढ़ाया है. इस पीरियड में भी रिमेनिंग पोर्शन हम लेने जा रहे हैं. तो ये क्या है, कैलाश सत्यार्थी ने नोबल पीस प्राइज सेरेमनी में 2014 में जो भी स्पीच दी है, तो ये सभी स्पीच है ये मोटिवेशनल है. हमारे ज़िंदगी में भी कुछ तरह के ऑब्स्टेकल्स आते हैं सक्सेस के राह पर. जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उसको ओवरकम करके कैसे अपने लक्ष्य तक पहुँचे, तो इस तरह का ये जो लेसन है यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी ने सभी यूथ को डेडिकेट करते हुए और किस तरह से चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करके उनको जो सेटिस्फैक्शन मिला है उनके चेहरे पे जो भी स्माइल होती है, तो सेम स्माइल कैलाश सत्यार्थी ने भी एक्सपीरियंस की है. तो इस लेसन से हमें ये सभी की सभी चीज़ें आज हम पढ़ने जा रहे हैं. सो बी विथ योर टेक्स्ट बुक. दिस इज द एक्टिविटी नंबर 2.5 लेट्स मार्च, isn't it? So now I am going to discuss this, or I am going to teach you line by line in Hindi as well as in English also. So let's walk together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left behind in any corner of the world. तो हमने पिछले पीरियड में देखा था कि किस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे कि स्पीच की शुरुआत होती है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, उसके बाद में ऑनरेबल डाइस रिस्पेक्टेड टीचर्स ऑल द डियर स्टूडेंट, तो योर मैजेस्टी योर एक्सेलेंसीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु इज स्टैंडिंग ऑन द डाइस और हु इज डिलीवरिंग देयर स्पीच एज वेल एज दे जस्ट डिस्कस ऑन दैट टाइम. दैट पोडियम इज नोन एज द स्पीच ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी. दैट पोडियम इज नोन एज पीस एंड ह्यूमैनिटी. क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि जो भी अवार्ड फंक्शन था वो किस तरह का था, एक ह्यूमैनिटी एक मानवता को दर्शाने वाला वो ओकेजन था. तो उन्होंने बताया कि ये मेरी अकेली की लड़ाई नहीं है, ये मैं अकेला अगर करूँ तो इस लड़ाई में मैं अंत तक नहीं जा पाऊँगा. तो अगर आप जैसे लोग कुछ मेरे ऑर्गेनाइजेशन को जुड़े या कुछ लोग मेरे से जुड़े तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जो लक्ष्य पाना है उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. नियर अबाउट इन 44 कंट्रीज ही वर्क्ड एंड नियर अबाउट 83,000 चिल्ड्रन ही रेस्क्यू फ्रॉम द चाइल्ड लेबर. सो इट इज़ अ मार्वलस एंड आउटस्टैंडिंग वर्क डन बाय कैलाश सत्यार्थी. सो कैलाश सत्यार्थी सेड दैट लेट्स वर्क टुगेदर. इसका मतलब क्या होता है कि मेरे साथ चलो, आप सभी को मेरे साथ क्या करना है, चलना है. कहा इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस. जो भी हम ग्लोबल प्रोग्रेस करने वाले हैं, ग्लोबल प्रोग्रेस इट मीन्स पूरे विश्व का निर्माण करना है, पूरे विश्व का प्रोग्रेस करना है, पूरी विश्व की प्रगति करना है. सो लेट्स कम टुगेदर इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस. नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट. हमारे देश का, हमारे स्टेट का, हमारे गांव का, हमारे पूरे वर्ल्ड का, किसी भी देश का नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट. कोई भी एक आदमी छूटना नहीं चाहिए. नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. पूरे ब्रह्मांड के, पूरे विश्व के किसी भी कॉर्नर का एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए. तो लेट्स कम टुगेदर विथ मी इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस. किस लिए उन्होंने बुलाया, कुछ फंक्शन था क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे सारे लोग एक साथ चलो, किस लिए? पूरे विश्व का निर्माण करने, पूरे विश्व को प्रगति पथ पे ले जाने के लिए, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड. लेट्स कम टुगेदर विथ मी. नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट फ्रॉम द एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के किसी भी कॉर्नर का एक भी आदमी छूटना नहीं चाहिए. तो इस तरह का एड्रेस उन्होंने अपने स्पीच में, जो भी लोग पोडियम में प्रेजेंट थे एट दैट टाइम, ही जस्ट said to all the people who were presented at that time. Understand? यहाँ तक समझ आया? चलो अभी आगे बढ़ते हैं. डायरेक्शन बताई उन्होंने अभी, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ.
मतलब चारों कोने से, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, मतलब चारों डायरेक्शंस में, मतलब वर्ल्ड के एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड वी नीड द पीपल फॉर द ग्लोबल प्रोग्रेस, फॉर द वर्क अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। जो भी मैं मानवता का कार्य कर रहा हूँ, जो भी पीस एंड ह्यूमैनिटी का मैं कार्य कर रहा हूँ, तो उस कार्य में आप जुड़िए। वर्ल्ड के किसी भी कोने का जो भी पर्सन है, तो वो क्या नहीं, छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी लोग इसमें आने चाहिए और प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने निवेदन या आवेदन लोगों को किया है। लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट्स अवर माइंड कम टुगेदर। शायद आपको यहाँ का पोर्शन दिख रहा है, दिख रहा है आपको? यस। तो लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट्स अवर माइंड कम टुगेदर, लेट्स स्पीक टुगेदर। अभी चलना है साथ में तो बोलना भी है, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो बोलने वालों का ज़माना है। अगर आप समझो एक्सप्लॉयटेशन, अगर आप क्या करते हो, एक्सप्लॉयड होते हो लेकिन बोलते नहीं हो, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बड़ी बड़ी तादाद पर, अगर आप उसको बोल के सॉल्व नहीं करते हो तो मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए यू ऑल स्पीक टुगेदर, सभी को एक साथ बोलना है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट जो भी इविल डीड्स होती है सोसाइटी में, उसके खिलाफ हम सभी को क्या करना है, वी हैव टू स्पीक टुगेदर। हम सबको क्या करना है, बोलना है अगेंस्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर, लेट्स स्पीक टुगेदर। साथ साथ में हमें बोलना है लेट्स अवर माइंड कम टुगेदर। अभी सभी लोगों को अपने मन, मन मतलब जो भी हमारी कल्पनाएं हैं, वो सभी सभी प्रकार की जो भी कल्पनाएं है वो एक जगह पर लानी है। मतलब समझो अगर मैं किसी बारे में अगर विचार करता हूँ तो मेरी एक इंडिविजुअल थिंकिंग होगी, है ना। पर्सन टू पर्सन थिंकिंग आर वैरिड। पर्सन टू पर्सन क्या होती है, जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो वैरिड होती है। मेरी थिंकिंग मेरी रहेगी, आप लोगों की थिंकिंग, यहाँ पे अगर 50 बच्चे बैठे हैं तो 50 लोग एक ही विषय पर 50 अलग प्रकार के विचार क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं या विचार कर सकते हैं अलग तरह से। तो इनका कहना है, हमारे लेखक का, हमारे जो भी लेखक है कैलाश सत्यार्थी, इनका मानना है कि लेट्स स्पीक टुगेदर, सबको क्या करना है, बोलना है लेट्स अवर माइंड कम टुगेदर, सबको एक जगह पर लाना है। माइंड को एक जगह पर लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि लेट्स कम माइंड टुगेदर, मतलब सबको मन से एक जगह पर आना है और एक ही चीज़ पर क्या करना है, हमें वर्क करना है, जो कि आउटस्टैंडिंग होगा, जो कि एक्सलेंट होगा, जो कि समाज के प्रति एज वेल एज हमारे ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए मेरे साथ चलो, सभी लोग चलो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सबके मन एक होने चाहिए, सबकी थिंकिंग प्रोसेस एक होनी चाहिए। तो इस तरह का आवेदन, इस तरह का निवेदन सभी जो भी प्रेजेंट थे उस वक्त जब ये स्पीच चालू थी, तो वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उनको एड्रेस करते हुए कैलाश सत्यार्थी जी ने ये बोला। चलो आगे बढ़ते हैं। देन लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर, वेरी गुड। एंसेस्टर इट मीन्स पूर्वज, है ना। एंसेस्टर मतलब पूर्वज। हमें किस चीज़ से सीखना है, जो भी हमारे पूर्वज है, एंसेस्टर है ना, क्योंकि हमारे पहले भी कुछ लोग इस क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं, तो उनसे हमें क्या सीखना है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर। वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के एक्सपीरियंस से हमें क्या करना है, सीखना है। किस तरह से ह्यूमैनिटी और पीस के बारे में हमें जानना है, किस तरह से हमें इस क्षेत्र में कार्य करना है, तो ये सभी की सभी चीज़ें का क्या करनी है हमें, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। तो हमें क्या करना है, हमारे पूर्वजों से सीखना है। वी शुड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर एंसेस्टर। लेट्स अस टुगेदर क्रिएट अ नॉलेज, लेट्स अस टुगेदर क्रिएट अ नॉलेज। अभी अगर मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ तो मेरा एक लिमिटेड नॉलेज होगा, लेकिन अगर मैं ग्लोबल प्रोग्रेस के बारे में वर्क करना चाहता हूँ तो आई नीड द पीपल ऑफ डिफरेंट थिंकिंग, है ना, मेरे को डिफरेंट थिंकिंग के लोगों की ज़रूरत होगी। तो हमें क्या क्रिएट करना है, लेट्स कम टुगेदर टू क्रिएट अ नॉलेज। हमें क्या करना है, ज्ञान को निर्माण करना है ना, अलग अलग क्रिएटिविटी लाना है, उसमें कुछ अच्छे अच्छे कार्य करना है। तो वी शुड क्रिएट अ नॉलेज। किस लिए चाहिए हमें नॉलेज, फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल आई हाउ टू माई लेट पेरेंट्स।
किस लिए चाहिए मुझे? फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑफ आई हाउ टू माई लेट पेरेंट्स टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ विथ वार्म हार्ट. मुझे किस लिए चाहिए बेनिफिट्स ऑफ ऑल? मेरे समाज के बेनिफिट्स के लिए. आई वॉन्ट अ नॉलेज, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ नॉलेज फॉर द वेलफेयर ऑफ माई सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ माई नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ माई वर्ल्ड. मुझे वर्ल्ड प्रोग्रेस के लिए ये सभी की सभी चीज़ें मुझे चाहिए. ऑल दैट बेनिफिट्स ऑफ ऑल, सभी के कल्याण के लिए. बेनिफिट्स ऑफ ऑल मीन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के कल्याण के लिए, वर्ल्ड के कल्याण के लिए, या सभी प्रकार की जो भी बच्चों के कल्याण के लिए है ना, महिलाओं के बहुत सारे एक्सप्लोटेशंस है, बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे समाज में हो रही है, लेकिन हमें पता होने के बावजूद हम बोलते नहीं, उनके खिलाफ खड़े रहने की हमें हिम्मत नहीं होती. इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम एक्सप्लॉइट होते हैं. समझ आया? इसी वजह से तो कैलाश सत्यार्थी ने बोला है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ बोलो, सभी के माइंड एक जगह पर लाओ. कोई भी इंसान वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में रहना नहीं चाहिए. और सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है कि लेट अस टुगेदर क्रिएट अ नॉलेज. हमें क्या करना है, टुगेदर वी शुड क्रिएट अ नॉलेज फॉर ऑल दैट बेनिफिट्स ऑल, मतलब सभी के कल्याण के लिए हमें क्या करना है, नॉलेज की या ज्ञान की निर्मिति करना है. ज्ञान तो ऐसी चीज़ होती नहीं है जो कई दुकान में मिलती हो या किसी हम शॉप से परचेस करते हैं, है ना. तो ये मैनमेड चीज़ है, मैन के अंदर की बात है. जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा होता है तो उससे नॉलेज बनता है. तो ये नॉलेज हम तक ही अगर सीमित रखते हैं, हम लोगों को नहीं बताते या बांटते नहीं, तो हमारे नॉलेज का कुछ फ़ायदा होता नहीं है ना. हम जब भी लोगों को कुछ समझाते हुए, कन्विंस करते हुए, समाज में जो भी अच्छी चीज़ें हैं, इविल डीड्स है या कुछ बुरी चीज़ है, बुरी और अच्छी चीज़ों में अगर लोगों को हम समझा के बताते नहीं, तब तक के हमारा ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो हम क्रांति कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती. तो फॉर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी वी शुड क्रिएट अ नॉलेज. हमें जनकल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए हमें क्या करना है, एक प्रकार की अलग सी बेनिफिट्स लेनी है. आई बो टू माई लेट पेरेंट्स. उसके बाद में वो बोलते हुए कैलाश सत्यार्थी बोलते हैं, आई बो डाउन माई नेक इन फ्रंट ऑफ माई एंसेस्टर, माई मार्टियर्स, द पीपल हु हैव डन द मार्वलस एज वेल एज आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ दिस. मीन्स कैलाश सत्यार्थी हैज़ डन द मार्वलस एंड आउटस्टैंडिंग वर्क, सो दैट आई बो डाउन. मुझे क्या करना है, झुकना है. झुकना है मतलब आशीर्वाद के लिए. आई वॉन्ट टू टेक अ ब्लेसिंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, लेट पेरेंट. लेट मतलब जो भी गुजरे हुए है ना, मरे हुए पेरेंट्स है, जो भी मतलब पेरेंट्स मतलब उसके खुद के माँ बाप नहीं, जो लोग जिन्होंने किसी क्षेत्र में, जिनको हम बोल सकते हैं कि यस ही इज़ माई आइडॉल, शी इज़ माई आइडॉल, तो वी हैव टू टेक अ ब्लेसिंग. दैट्स वाई आई बो डाउन माई नेक इन फ्रंट ऑफ द पीपल माई लेट पेरेंट्स फॉर टेकिंग अ ब्लेसिंग फ्रॉम देम टू माई मदरलैंड. और मैं कहाँ पर झुकना चाहता हूँ, मेरे मातृभूमि, टू माई मदरलैंड इंडिया, है ना. कैलाश सत्यार्थी बिलोंग्स टू इंडिया, दैट इज़ वाई विच इज़ द मदरलैंड ऑफ कैलाश सत्यार्थी, ऑब्वियसली इंडिया. इंडिया इज़ द मदरलैंड ऑफ कैलाश सत्यार्थी. सो आई बो डाउन माई नेक इन फ्रंट ऑफ माई मदरलैंड टू टेक अ ब्लेस टू वर्क एक्सलेंसी, है ना. एक्सलेंटली अगर मुझे वर्क करना है एक क्षेत्र में, तो आई वॉन्ट टू बो डाउन माई नेक इन फ्रंट ऑफ माई मदरलैंड एंड टू द मदर अर्थ. और ये जो पूरी सृष्टि है, पूरी कायनात है, पूरी पूरा ब्रह्मांड है, पूरी मदरलैंड है, इसके आगे भी मैं झुकना चाहता हूँ. कुछ अच्छी चीज़ें मैं सीखना चाहता हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ माई एंसेस्टर, आई वॉन्ट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ माई लेट पेरेंट, आई वॉन्ट टू बो डाउन टू माई मदरलैंड एज वेल एज आई वॉन्ट टू बो डाउन माई मदर अर्थ फॉर टेकिंग अ ब्लेसिंग, फॉर टेक अ ब्लेसिंग. यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. चलो नेक्स्ट, विथ अ वार्म हार्ट. अभी वार्म हार्ट का मतलब यहाँ पे डोंट टेक अ लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ल्ड. वार्म हार्ट मतलब गर्म दिल नहीं होता है ना. बाय द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, फ्रॉम द डीपेस्ट कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, आई वॉन्ट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ माई एंसेस्टर, आई वॉन्ट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ माई लेट पेरेंट, आई वॉन्ट टू बो डाउन इन फ्रंट ऑफ माई मदरलैंड इंडिया एंड मदर अर्थ, है ना. विथ अ वार्म हार्ट मतलब तहे दिल से मैं सभी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ. क्यों?
आई वॉन्ट टू डू एक्सलेंट वर्क, आई वॉन्ट टू डू दिस यूनिक वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, फॉर द वर्ल्ड प्रोग्रेस, फॉर द परस्यूट ऑफ वर्ल्ड प्रोग्रेस आई वॉन्ट टू डू दिस, है ना। मुझे ये सभी चीज़ें करनी है, तो मुझे अकेला तो मैं कर नहीं सकता, इसीलिए आप सभी जन मेरे साथ आओ। मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस तरह का जो भी मैंने वर्क किया है, तो जो भी वार्म हार्ट से या पूरे दिल से जो भी हम चीज़ करते हैं, तो वो अभी आपको करनी है। आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई हैव बीन लिबरेटेड ईच टाइम, लिबरेटेड ईच टाइम आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी। तो वो अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, कैलाश सत्यार्थी। वो बोल रहे कि आई रिकॉल हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई हैव बीन लिबरेटेड। रिकॉल मीन्स रिमेंबर। अभी वो वहाँ पे स्पीच देते देते रिकॉल करके वो एक एक्सपीरियंस नैरेट करते हैं वहाँ पे, और बोलते हैं कि आई रिकॉल, अगर मैं रिमेंबर करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, तो हाउ थाउजेंड्स ऑफ टाइम, हजारों बार, हाउ आई थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई हैव बीन लिबरेटेड, लिबरेटेड मतलब फ्री, लिबरेटेड मतलब फ्रीड, है ना, ये पास्ट टेंस है, लिबरेटेड, सॉरी आई हैव बीन लिबरेटेड, ये पैसिव है, ठीक है। तो आई हैव बीन लिबरेटेड मीन्स आई हैव मेक अ फ्री, आई हैव मेक अ फ्री थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई हैव फ्री अ चाइल्ड फ्रॉम स्लेवरी। जब भी मैंने छोटे छोटे बच्चों को स्लेवरी से मुक्त किया, आई हैव फ्रीड अ चाइल्ड फ्रॉम द स्लेवरी, हाउ मेनी टाइम, थाउजेंड्स टाइम इन माई लाइफ टाइम आई हैव फ्रीड मोर देन थाउजेंड्स टाइम टू द स्मॉल चाइल्ड फ्रॉम द स्लेवरी। व्हाट हैपन नेक्स्ट, इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम, इन द फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम ऑन देयर ब्यूटीफुल फेसेस आई सी द गॉड्स स्माइलिंग। और जब भी मैंने छोटे छोटे बच्चों को फ्री किया, फ्रीडम किया, है ना, स्लेवरी से मुक्त किया, तब उनके चेहरे पे जो भी मुझे स्माइल दिखती थी, वो स्माइल मैं किससे कंपेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पे, आई सी द गॉड स्माइलिंग, उस चेहरे में मुझे भगवान दिखाई दिए, ऐसा कैलाश सत्यार्थी का मानना था कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम आई हैव बीन फ्रीड, आई हैव बीन मेक फ्री टू द चाइल्ड और चिल्ड्रेन फ्रॉम द स्लेवरी। And that time the smile which was present on the face of that particular child or particular children, that time I see the God smiling in the face of that free child, है ना, उस free child के चेहरे पे जो भी मैंने क्या देखा है, smile देखी है, तो मुझे लगा कि ये God ने smile दी है, या it was a God's smiling। चलो next paragraph देखते हैं, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रहा है। I give the biggest credit of this honor to my mother, सॉरी माई मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया। तो मुझे ये अकेला तो काम है नहीं, वो ये जो एक्टिविटी थी, तो इस एक्टिविटी में वो अकेले पार्टिसिपेंट नहीं थे या अकेले वर्क नहीं कर रहे थे, तो है वो दिस क्रेडिट आई वॉन्ट टू गिव टू माई कलीग्स ऑल्सो, ही वॉन्ट टू गिव अ क्रेडिट ऑफ दिस वर्क टू द कलीग्स, है ना, वो अकेले क्रेडिट नहीं ले रहे इस बात का, तो ये क्रेडिट वो अपने दोस्तों को भी देना चाहते हैं। उस दोस्तों का नाम उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू माय मूवमेंट्स कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर। अंडरलाइन इट, आपके टेक्स्ट बुक में ये जो नेम है, आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपके टेक्स्ट बुक में पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन लिख के रखना है। आई सी द गॉड स्माइलिंग, आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस ऑनर टू हुम, टू हुम, यस, वेरी गुड, कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर। कैलाश सत्यार्थी वांट्स टू गिव अ क्रेडिट टू देयर कलीग्स इन दिस मूमेंट, कालू कुमार, धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं ये तीनों लोग, तो इनको भी इस काम में बिगेस्ट क्रेडिट आई वॉन्ट टू गिव बाय कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने बताया कि इस कार्य का जो भी क्रेडिट है, मैं इन तीनों को जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इनको देना चाहता हूँ। एंड इकबाल मनीष, सॉरी इकबाल मशिया फ्रॉम पाकिस्तान, इकबाल मशिया नाम का एक जो दोस्त था, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता था, तो उसको भी मैं इस बात का क्रेडिट देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव अ बिगेस्ट क्रेडिट फ्रॉम इंडियन एज वेल एज टू द पाकिस्तानी हु वेयर द इक्वली वर्क विद द कैलाश सत्यार्थी इन दिस मूमेंट। इस मूमेंट में जिन्होंने इक्वली वर्क किया, कंट्रीब्यूशन रहा, अच्छा योगदान रहा, तो उन सभी लोगों को मैं इस
अवार्ड फंक्शन में ये क्या करता हूँ, क्रेडिट देता हूँ, बिगेस्ट क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर वर्क किया है। और इस तरह का हमें क्या, आज जो भी मैं सक्सेसफुल हूँ, जो भी मुझे नोबल पीस अवार्ड मिला है इस 2014 इन दिस पोडियम, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल माई कलीग्स, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ माई कलीग्स आई गॉट दिस अवार्ड। चलो समझ आया यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। Who made the supreme sacrifice for the protecting the freedom and dignity from Pakistan? मतलब ये जो लोग थे इंडिया से, जो कालू कुमार थे, धूमदास, आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मशिया फ्रॉम पाकिस्तान, सो हु मेड द सुप्रीम सैक्रीफाइस। चलो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना भी पड़ता है, तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि इन्होंने क्या किया, एक सुप्रीम सैक्रीफाइस किया है ना। परिवार तो सबको होता है, फैमिली सबकी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर करना हो तो हमें क्या करना है, उस मोटो के तरफ, उस पर्टिकुलर लक्ष्य की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो सभी की सभी चीज़ें तो हमारे पकड़ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें तो छूटेंगी ही छूटेंगी है ना। तो इसी तरह से वो बोल रहे कि वाई आई वॉन्ट टू गिव, वाई डज ही वॉन्ट टू गिव अ क्रेडिट टू द हिज कलीग, बिकॉज ही हैज़ डन द सुप्रीम सैक्रीफाइस, ही हैज़ डन द सुप्रीम सैक्रीफाइस, ऑल दीज पीपल हैज़ डन द सुप्रीम सैक्रीफाइस फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी। किस लिए उन्होंने सैक्रीफाइस किया, एक बड़ा सा सैक्रीफाइस किया, सुप्रीम सैक्रीफाइस का मतलब होता है बड़ा सा सैक्रीफाइस किया, तो फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी, फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी। जो लोग, जो बच्चे स्लेवरी में जी रहे थे, जो बच्चे जिन बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो उन बच्चों को छुड़ाना, ये इट इज़ नॉट अ जोक है ना, ये जोक की बात नहीं है। तो फॉर प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम एंड डिग्निटी, उनके डिग्निटी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके मुक्ति के लिए इन्होंने क्या किया है, सभी लोगों ने सुप्रीम सैक्रीफाइसेस किया है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई वॉन्ट टू गिव अ क्रेडिट टू ऑल दिस पीपल। आई हमली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन। तो ये जो मैं नोबल पीस अवार्ड है इस फंक्शन में जो कि मुझे देने जा रहा है, 2014 का फंक्शन था वो, तो आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन द बिहाफ ऑफ माई ऑल द कलीग्स, ऑन द बिहाफ ऑफ माई मार्टियर्स है ना, जो भी मेरे साथ में जो सहयोगी थे, मेरे जो कोऑपरेटिव्स थे, उनके बिहाफ में, मतलब उनकी तरफ से, ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब उनकी तरफ से, उनकी तरफ से, ये सिर्फ मुझे ही मिल रहा है ऐसी बात नहीं है। ही वॉन्ट टू गिव अ क्रेडिट टू ऑल दिस पीपल हु वेयर इक्वली वर्किंग विद देम है ना, उनके साथ में जो इक्वली वर्क कर रहा था उनको भी वो क्रेडिट देना चाहते हैं। तो आई वॉन्ट टू गिव द इक्वल क्रेडिट टू ऑल दिस पीपल हु इक्वली वर्क विथ मी एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पीपल, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पीपल आई एम जस्ट एक्सेप्टिंग दिस नोबल पीस अवार्ड विच इज़ प्रेजेंटिंग और विच इज़ अवार्डिंग इन दिस सेरोमनी। सो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, मार्टियर्स मतलब हुतात्मा, मेरे पहले भी जो भी लोग काम कर चुके हैं और वो मर गए, तो उनको हुतात्मा बोलेंगे हम। तो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टियर्स, माई फेलो एक्टिविस्ट है ना, जो भी यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो भी इसके अलावा भी हो सकते हैं, उन्होंने स्पीच में उनका नाम मेंशन नहीं किया है, तो इनके अलावा भी उनके एक्टिविस्ट सहकारी हो गए या साथी हो गए, तो उन माय फेलो एक्टिविस्ट, उनकी तरफ से भी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे जग में, पूरे विश्व में जो भी मेरे फेलो एक्टिविस्ट है, ये सिर्फ इंडिया तक की मूवमेंट या एक्टिविटी रन नहीं होती थी, ये पूरे विश्व की एक्टिविटी है। तो माय फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे जग में, पूरे विश्व में जो भी मेरे फेलो एक्टिविस्ट थे, जो भी मेरे को इस वर्क में, मेरे साथ में जो वर्क करते हैं, उनकी तरफ से और मेरे जो देशवासी है, कंट्रीमैन मीन्स देशवासी, तो मैं मेरे देशवासियों के तरफ से, मैं मेरे विश्व के जो भी मेरे एक्टिविस्ट थे उनकी तरफ से, मेरे मार्टियर्स थे, मेरे लेट पेरेंट्स थे, मेरे जो भी साथी थे, सभी की ओर से, ऑन द बिहाफ ऑफ माय ऑल द एक्टिविस्ट कोऑपरेटर्स एज वेल एज जो भी मेरे एक्टिविस्ट फ्रेंड थे, उनके बिहाफ ऑफ ऑल दिस पीपल आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड। तो इस पीरियड में हमने देखा है ग्लोबल प्रोग्रेस करना, ये
एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं है, तो यहाँ पे सबको साथ साथ चलना है, सबको साथ बोलना है, सबके दिल एक जगह पर लाने, एक तरह का विचार करना है। उससे हम क्या कर सकते हैं, एक नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं और उस नॉलेज को समाज के बेनिफिट के लिए हम अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। तो बोलते हुए उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू बो डाउन माई नेक इन फ्रंट ऑफ माई मदरलैंड, माई मदर अर्थ एज वेल एज माई लेट पेरेंट, उनके सामने मैं झुकता हूँ विथ हार्ट, विथ वार्म हार्ट। उसके बाद में वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि जब भी मैं किसी बच्चों को स्लेवरी से मुक्त करता हूँ और स्लेवरी से मुक्त होने के बाद में उनका जो चेहरा खिला हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा मैं देखता हूँ, तो उनकी जो स्माइल है, ही जस्ट कंपेयर दैट स्माइल विद द गॉड स्माइल, है ना, भगवान के स्माइल के साथ में उन बच्चों की स्माइल कंपेयर करते हैं और उससे जो स्माइल मिलती है तो मेरे को एक एनर्जी मिलती है और अच्छा काम करने के लिए। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने बताई। जो भी उनके सहयोगी थे, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया, इकबाल मशिया फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, तो आई हमली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑल द एक्टिविस्ट फ्रेंड्स, है ना, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में साथ दिया है, ऑल सच मार्टियर माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन। तो मेरे देशवासियों की तरफ से, मेरे विश्व के जो भी मित्र है इस एक्टिविटी में, जो भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी लोग चलते थे, तो उनके बिहाफ ऑफ मैं क्या कर रहा हूँ, ये नोबल पीस प्राइज जो कि मुझे आज मिलने जा रहा है, ये मैं ले रहा हूँ। तो इस पीरियड में ये सभी चीज़ें हमने लर्न की, नेक्स्ट पीरियड में हम रिमेनिंग पोर्शन लेंगे। स्टिल देन थैंक यू। आपको एक चीज़ करनी है, ये सभी की सभी वीडियो सुनने के बाद में, ये सभी की सभी पीरियड सुनने के बाद में, आपको जो भी एक्टिविटी है तुम्हारे वर्कबुक में, या हो सकता है आपके जो भी पिछला पेज है, तो पिछले पेज में एक एक्टिविटी देखे है इससे बिलोंग, तो वो आपको फिलअप करके सेंड करनी है, मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करनी है। स्टिल दिन थैंक यू वेरी मच।